हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण शांति कुंज। आज हम मसालेदार पराठा बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम एक कप के करीब पनीर लिए हैं और एक मीडियम साइज का प्याज लिए हैं। थोड़ा सा चाट मसाला लिए हैं, मिर्चा पाउडर लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चा डालिएगा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी लिए हैं और स्वाद के अनुसार नमक लिए हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से मेरा ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम आगे प्रोसेस की ओर चलते हैं। ये हम मेरे पास गुथा हुआ आटा था, इसको हम दो पराठा बनाएंगे। गर्मी में ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। सिंपल ही पराठा है लेकिन इसके अंदर मसाला काफ़ी दिया हुआ है और पनीर है जो कि हेल्दी रहता है। इस तरह से हम स्टफ कर लिए हैं, अब हम बेल के बनाते हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइए, खाइएगा, काफ़ी ही हेल्दी है क्योंकि इसमें पनीर डाला हुआ है। एक और हम बेल लेते हैं। तावा को हम गैस पर रख दिए हैं, गर्म हो रहा है। तावा मेरा गर्म हो गया, इस पर हम डाल देते हैं और इसको हम सेकते हैं। एक साइड से पराठा मेरा सीख गया है, अब इसको हम पलट देते हैं। गर्मी में चूल्हा के पास कुछ बनाने का मन नहीं करता है लेकिन फिर भी बनाना तो पड़ता ही है। आप इसमें घी किसके साथ भी सेक सकते हैं, हम अभी रिफाइंड के साथ बना रहे हैं। इस तरह से हमारा एक पराठा बन के तैयार हो गया है, दूसरा भी बना के दिखाते हैं। इस तरह से मेरा दूसरा पराठा भी बन के तैयार हो गया है, अब आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। ये मेरा मसाला हेल्दी टेस्टी पराठा बनके तैयार हो गया है। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, सॉस, चटनी, सब्जी, जो आपको, दही, हम इसको आम की चटनी के साथ खाएंगे। आप लोग भी खाइए, बनाइए, एंजॉय कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। थैंक यू।